सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। आजादी की अमृत गाथा के इस अंक में दीपा भूषण का आप सभी को सादर नमस्कार, वंदे मातरम। साथ ही आरजेएस परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम प्रख्यात हिंदी फिल्म गीतकार, शायर, प्रोफेसर, कवि, पेंटर डॉक्टर राहत इंदौरी जी के बारे में जानेंगे और उन्हें याद करेंगे, साथ ही उन्हें आरजेएस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ए जमीन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। ये अल्फाज कहने वाले दार्शनिक झुकाव वाले एक संपूर्ण सज्जन डॉक्टर राहत इंदौरी को उनकी काव्य प्रतिभा और काम के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। इनका पूरा नाम राहत कुरैशी था। ये इंदौर के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम से कुरैशी हटाकर इंदौरी लगा। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। इन्हें इंदौर शहर से बेहद लगाव रहा। डॉक्टर राहत इंदौरी एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए और इनका जीवन बहुत ही मुफलिसी में बीता। इनके पिता कपड़े बनाने की मिल में काम किया करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। वर्ष 1973 में इस्लामिया करीमिया कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया। 1975 में बरकत उल्ला यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई पूरी की। साथ ही इन्होंने भोज यूनिवर्सिटी से उर्दू लिटरेचर से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1972 में इन्होंने 19 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता को सार्वजनिक रूप से पढ़ा। स्कूल और कॉलेज के दौरान वो काफी प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे। वो हॉकी और फुटबॉल टीम के कप्तान भी रहे। इन्हें पेंटिंग करना बेहद पसंद था। इन्होंने साइन बोर्ड डिजाइन बनाना शुरू किया और इसमें इनका काफी नाम भी हुआ और लोगों ने इन्हें बहुत सराहा। और कहा जाता है कि जब ये बिजी होते थे तो इनसे साइन बोर्ड बनाने के लिए लोग एक एक महीना इंतजार किया करते थे। 10 साल तक इन्होंने ये कार्य किया। डॉक्टर राहत इंदौरी इंदौर विश्वविद्यालय में कुछ समय शिक्षा शास्त्री भी रहे। ये सब करते करते अचानक इनके मन में आया कि गजलें लिखें और शायरी करें, और इन्होंने अपनी शायरी और गजलों से लोगों का दिल जीता, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और लोगों ने इनको बहुत सराहा। लगभग 50 साल तक राहत इंदौरी जी ने शानदार शायरी की। इनका कहना था कि गजल या शायरी को समझना काफ़ी मुश्किल है, और अगर इसे समझना है तो आपको थोड़ा पागल, दीवाना, थोड़ा दिल फेंक और थोड़ा अड़ियल होना पड़ता है। बेबाक बात में अपनी बात रखने वाले डॉक्टर राहत इंदौरी बहुत ही सरल प्रवृत्ति के थे और सरल भाषा में ही कविता शायरी किया करते थे। इनके शुरुआती दौर का एक वाक्या मुझे याद आ रहा है। जब ये लखनऊ से जौनपुर होते हुए बनारस ट्रेन से जा रहे थे, इनके पास में कपड़े नहीं थे। जो ये कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े थे और जो काफ़ी गंदे हो चुके थे। चूँकि कपड़े गंदे हो चुके थे, दूसरे कपड़े पास में नहीं थे, तो ये जौनपुर से पहले जाफराबाद स्टेशन पर उतर गए और यहाँ पर एक हैंड पाइप में कपड़े धोकर
फिर इन्होंने उन्हें सुखाया और वही कपड़े फिर से पहनकर दूसरी गाड़ी पकड़कर बनारस पहुंचे। उस वक्त मुशायरे वगैरह की पेमेंट भी बहुत कम हुआ करती थी। ये कहा करते थे कि शायर का जीवन काफ़ी मुश्किल होता है। ये कहते थे कि जब इनकी बीबी बाजार जाया करती थी तो लोग उन्हें ताना दिया करते थे कि शायर की बीवी हो, गुजारा चलता है कि नहीं, या चलता है तो कैसे चलता है। डॉक्टर राहत इंदौरी जी ने हिंदी फिल्मों के अनेक मशहूर गीतों को लिखा जो कि लोगों को बहुत पसंद आए, साथ ही बहुत मशहूर भी हुए, जिनमें मुन्ना भाई MBBS का टाइटल सॉन्ग, करीब फिल्म का चोरी चोरी जब नजरें मिली, मिशन कश्मीर का बुमरो बुमरो, मर्डर फिल्म का दिल को हजार बार आदि कई अन्य गीत शामिल हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने अनेक पुस्तकों को भी लिखा जिनमें नाराज, धूप बहुत है, दो कदम और सही, रुत, मेरे बात, चांद पागल है, मौजूद, कलाम राहत इंदौरी हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को विभिन्न सम्मान पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें से कुछ इस तरह हैं: यूपी हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड, शायर ए महफिल अवार्ड, अदीब इंटरनेशनल अवार्ड, हक बनारसी अवार्ड, मौलाना मोहम्मद अली जौहर अवार्ड, प्रदेश रत्न हिंदी साहित्य परिषद भोपाल से अवार्ड। साथ ही डॉक्टर राहत इंदौरी को ह्यूस्टन सिटी काउंसिल USA, गहवारा ए अदब अटलांटा USA, एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद सऊदी अरब से भी सम्मानित किया गया। गजल अगर इशारों की कला है तो डॉक्टर राहत इंदौरी वो कलाकार थे जो अपने अंदाज में झूमकर इस कला को बखूबी अंजाम देते थे। मशहूर शायर राहत इंदौरी जी का कोरोना वायरस से संक्रमित होने और दिल का दौरा पड़ने से 70 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 2020 को इंदौर में देहांत हो गया। डॉक्टर राहत इंदौरी भले ही हमारे बीच में आज ना हो, लेकिन उनकी उम्दा शायरी, बेहतरीन गीत और राहत इंदौरी जी को हमेशा हमारे दिलों में याद रखा जाएगा। RGS परिवार की ओर से आज़ादी की अमृत गाथा के इस अंक में डॉक्टर राहत इंदौरी जी को विनम्र श्रद्धांजलि एवं शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।